दोस्तों आज की कहानी है मम्मी जी, मैं अपने पति से अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रेवती को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट बनाई और पापा जी को जाकर दे दिया और कमरे में आकर अपनी बेटी सुबी के साथ खेलने लगी और साथ ही इंतजार करने लगी कि कब सासू जी के गुस्से का बम उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन आज रेवती ने भी अच्छे से बॉम्ब प्रूफ जैकेट मतलब अपनी हिम्मत को पहन लिया था। उसने सोच लिया था कि आज और अभी सारा किस्सा खत्म करके ही रहेगी। 10 मिनट ही बीते थे कि सासू माँ नैना देवी कमरे में साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई गुस्से से घुसी। बहु शर्म लियाज क्या सुल्ले में झोंक दिया, ये क्या लिस्ट पकड़ा आई हो अपने ससुर जी को क्यों मम्मी जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई क्या। अरे मम्मी जी सामान और भी मंगवाना है लेकिन सोचा कि अगली बार की लिस्ट में लिख दूंगी। रेवती ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या, कभी सुना कि एक बहू ने ससुर से ये सब सामान मंगवाया क्या, यही संस्कार तुमने सीखा है, एक बहू को ये सब शोभा नहीं देता। अरे ये सामान तुम खुद मंगवा सकती थी या तुम मुझसे कहती मैं मंगवा देती या फिर रिंकी ला देती। नैना देवी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मम्मी जी आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे कुछ जरूरी सामान मंगवाना है, तो आपने ही कहा था कि संडे को तुम्हारे पापा जी बाजार जाएंगे तो ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ, जबकि आपके बेटे ने मुझे आपके ही कहने पर 1 रुपये भी नहीं दिया। कुछ याद आया मम्मी जी, रेवती ने सासू जी को याद दिलाया। रेवती का ससुराल गांव में है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसका पति अजय दूसरे शहर में नौकरी करता है। गांव में सास ससुर ननन है, अभी सुबह छोटी है इसलिए रेवती अधिकतर सास ससुर के पास ही रहती है। अजय 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता है। जाते समय सासू जी रेवती और बेटी सुबी के खर्चों के नाम पर अपने लिए अजय से मोटी रकम ले लेती थी। रेवती जब अपने लिए पैसे अजय से मांगती तो नैना देवी सीनी की बोरी बन जाती और कहती क्या करोगी तुम पैसा लेकर। अरे यहाँ हाँ मैं तुम्हारे पापा जी हैं, तुमको जो सही होगा मुझसे या पापा जी से कहना सब ला देंगे। ये उस समय की बात है जब सैलरी हाथ में मिलती थी और ATM या ये कहिए डिजिटल शब्द सिर्फ शब्द था, फिर भी मम्मी जी खुश तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसी बहुत सी जरूरतें होती हैं वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ। और सुबी का भी सामान है, आपने भी तो इनसे पैसे लिए हैं, रेवती नैना देवी को समझाने की कोशिश करती हैं। ओ अब समझे हम, तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी सैलरी मुझे दे दी और फिर नैना देवी का इमोशनल नौटंकी चालू हो जाता। देखा बेटा मैं तुमसे कह रही थी कि बहू और रिंकी में मैं कोई फर्क नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे माँ नहीं समझती। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपये दे दे और फिर अजय से पर्स लेकर उसमें से 100 रुपये निकाल कर रेवती के हाथ में रख दिया। मम्मी जी अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं, ये पैसे भी आप ही रख लीजिए। और रेवती ने 100 रुपये वापस कर दिया। वैसे तो रेवती अपनी और सुखी की जरूरत का सारा सामान अजय से मंगवा लेती हैं, लेकिन कितना और कब तक का कुछ ना कुछ सामान
कम हो ही जाता और उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वह खुद मंगवा ले। उस समय उसे नैना देवी के आगे मिन्नतें करने पड़ती, लेकिन मजाल है कि नैना देवी एक पैसा भी खर्चे के लिए रेवती को दे दे। हर बार की तरह इस बार जब अजय वापस जाने लगा तो अजय रेवती को भी पैसा देने लगा, तो नैना देवी जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द की घूमती रहती थी तुरंत अंदर आ गई। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे। रेवती, तुमको सोचना सही है कि मेरा पति इतने दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे हैं भी या नहीं, और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं। तुमको जो भी सामान सही होता है हम लोग क्या लाकर देते नहीं हैं। बेटा तू जा, इसका हर बार का यही नाटक है। रेवती, जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते तो तुम हर बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी ज़रूरत का सामान किस से मंगवाऊँ। शुक्र करो कि तुमको मम्मी जैसे समझदार और केयरिंग सास मिली है। अजय ने रेवती को ही डांट दिया। इस बार रेवती को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट में अपने लिए बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिख दिया। और अब आप समझ ही गए होंगे कि लिस्ट में ये सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग सकरा गया और उन्होंने नैना देवी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दिया और नैना देवी बम बनकर रेवती के ऊपर फटने के लिए आ गई। मैं अपने मजे करने के लिए अपने पति से पैसा नहीं मांगती। औरतों की बहुत सी जरूरतें होती हैं जो वो अपने ससुर से तो क्या अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती। लेकिन आप ये बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर भी हक सही और बेटे की भी। बेटे के सामने ममता मई सास बनने का स्वांग रचती है और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती है। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को सीनने की कोशिश नहीं करेगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब यह आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। रेवती की बात सुनकर नैना देवी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई।